बीटी हाई बैलेंसिंग वेट बैलेंसिंग ट्री है, यानी ये हाइट और वेट दोनों को ही बैलेंस करके रखता है। साथ में ये बड़े डेटा को स्टोर नहीं करता, ये इसका सबसे बड़ा ब्रेकडाउन्स है। जो बीट ट्री है उसे बैलेंस ट्री या डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स ट्री भी कहा जाता है। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसमें डेटा को इंसर्ट एंड डिलीट करना, लेकिन डेटा को इंसर्ट एंड डिलीट करने के लिए की वैल्यू और पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। जैसे एक स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, एक स्टूडेंट की लिस्ट है जिसमें कितने पेज है, पेज 10 है, ठीक है। तो पेज 10 को हम बोल देते हैं की, ये पॉइंटर, और की वैल्यू क्या है, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो अपना की वैल्यू है। जैसे रोल नंबर 10 है तो रोल नंबर 10 पे गए, ठीक है, रोल नंबर 15 है तो पेज नंबर 2 पे गए एंड 15 उस पे गए। तो पॉइंटर यानी पेज नंबर और रोल नंबर के थ्रू हमें जब डेटा को फाइंड करते हैं या किसी नोड को फाइंड करते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है उसे कहते हैं बी ट्री। तो बी ट्री आपको समझ में आ गया होगा कि बी ट्री होता क्या है। अब यदि इसके एग्जाम्पल के देखा जाए तो एग्जाम्पल में 20 है, 20 के टू नोड्स है, 15 है, 21, 31 और 42 इसके दो नोड है। देखिए अब 31 और ये, अब इस 31 का क्या नोड है, 11 एंड 12, 21 के नोड है 8 20, 22, 25, 27 और इसका नोड है 31, 33, 36, 39, 45, 47, 15 एंड 55। और सेम यही एग्जाम्पल यहाँ साइड भी दिया हुआ है। जैसे 16 है, 16 को हम 29, इसका नोड है 29 को नोड 23 है, तो ये क्या है, 60 जो है अपना, 60 का जो 29 है, ठीक है, इसका की पॉइंट है। ये क्या है, इसका की पॉइंट है, की पॉइंट। और ये क्या है, इसका पेज नंबर। पेज नंबर में बहुत से आंकड़े होते हैं तो जो 32 है बाकी आंकड़े हैं, इसका की पॉइंट क्या है, 29। फिर 29 का की पॉइंट क्या है अपना, 23। और बाकी आंकड़े क्या है, बाकी पेज नंबर, बाकी डेटा भी होगा वो 10 है। 22 का की वैल्यू क्या है, 30 एंड 30%, ठीक है। और की बाकी पॉइंटर्स कौन कौन से, 31, 25, 58। 60 का एक और की वैल्यू है वो है 90, और बाकी पॉइंटर हो गए 98। 90 का की वैल्यू है 17 और पॉइंटर हो गया 85, ठीक है। और 98 का की वैल्यू है 101 और पॉइंटर हो गया 110। तो ये की सॉरी बाइनरी ट्री का एग्जांपल्स है। बाइनरी ट्री के एग्जांपल्स में हमेशा जो बाइनरी ट्री में जो डेटा स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा स्टोर हो रहा होता है, और डेटाबेस में इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट यूज फाइल सिस्टम या डेटाबेस में इसका यूज किया जाता है बाइनरी ट्री का। शॉर्ट रीजन की बात क्या है, शॉर्ट रीजन कहते हैं तो बाइनरी ट्री या सॉरी बी ट्री एक हाई बैलेंसिंग या विड्थ बैलेंसिंग ट्री है जिसमें बड़े डेटा को स्टोर करना कठिन होता है, यह इसका सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है जिसे इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। बाइनरी ट्री को बैलेंस ट्री या डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स ट्री भी कहा जाता है। इसमें डेटा को इंसर्ट करना और डिलीट करना कठिन है, लेकिन डेटा को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए हमें की वैल्यू और पॉइंटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था। जो डेटा होता है उसे बाइनरी ट्री का जो डेटा होता है या नोड होते हैं उसे सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। बाइनरी ट्री को मोस्टली डीबीएमएस या डेटाबेस में उपयोग किया।